हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग, कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि बेसिकली सुपर टेट एग्जाम क्या है, राइट। इसको क्लियर करने के बाद हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाती हैं, हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो गाइज कहीं पे भी स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग, जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी कोई अगर आपका डाउट रहता है, कुछ क्वेरी आपकी रहती है, तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे सोशल लिंक्स हैं सोशल साइट्स के, वो उन पे भी आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली सुपर टेट एग्जाम क्या है। तो सुपर टेट एग्जाम 2023 बेसिकली एक उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है, इस एग्जाम को कंडक्ट करता है सुपर टेट एवरी ईयर। ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग टीचर बनना चाहते हैं, वो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स एट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लेवल इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ द स्टेट। जो उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल, उनमें जो टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। द एग्जाम इज कंडक्टेड इन अ सिंगल स्टेज फॉर द असिस्टेंट टीचर and the second stage for the principal and the headmaster, each consisting of a single paper. ये exam है दो stage में complete कराया जाता है। पहले जो इसमें जो stage रहती है आपकी as a assistant teacher के लिए होती है, और second जो आपकी stage होती है वो आपकी principal and the headmaster के लिए होती है। और दोनों ही stage में जो आपका paper जो होता है वो single paper होता है। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है कि प्री और मेंस नहीं है, only आपका one time exam होगा। उस exam clear करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एज असिस्टेंट टीचर या प्रिंसिपल या हेड मास्टर के लिए। तो गाइज, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यूपी सुपर टेट 2023 एग्जाम, इसकी समरी क्या है, इसके रिगार्डिंग हम इसमें देखेंगे। जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड है, इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। एग्जामिनेशन नेम क्या है, सुपर टेट 2023 है, राइट। पोस्ट नेम क्या होता है, इसमें असिस्टेंट टीचर बनते हैं एंड इसमें जो प्रिंसिपल हैं एंड द हेड मास्टर भी बनते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी 700 to 900 के बीच रहती है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ दी हुई है, एज लिमिट क्या है। जो एज लिमिट दोस्तों रहती है 21 years to 40 years, इस एज के बिटवीन अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। पर आपकी मिनिमम एज आपकी 21 होना चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 इयर्स होना चाहिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये आपका ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन आता है, इसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू एंड पीसी के थ्रू। एग्जामिनेशन मोड क्या होता है, जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑफलाइन मोड होता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऑनलाइन मोड नहीं होता है, सीबीटी बेस्ड मोड नहीं है, ये ओनली ऑफलाइन मोड है, पेन एंड पेपर मोड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। अगर गाइज आपने सीटेट क्लियर किया है या आप यूपीटेट क्लियर हैं तो इस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई, आप एलिजिबल हैं। तो दो में से कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। सुपर टेट 2023 एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या, हमने समरी डिस्कस कर ली, इसका जो एग्जाम का ओवरव्यू था वो डिस्कस कर लिया, अब हम इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल हैव टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर ईच मार्क्स, यानी जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द एग्जाम, इस एग्जाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। द एप्लीकेंट्स हैव टू क्लियर द सुपर टेट 2023 विद द मिनिमम मार्क्स एंड द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सीटेट यूपीटेट कैन अपीयर फॉर द एग्जाम।
इसमें क्या होता है कि जो अगर आपने सुपरटेट मिनिमम मार्क्स साथ आप क्लियर हो जाते हैं एप्लीकेंट राइट, और जो कैंडिडेट है जो क्वालिफाइड आपने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसमें सीटेड है, आप रिपीटेड क्वालिफाइड होंगे देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट्स द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद सर्टिफिकेशन फॉर द सेम। इसके लिए आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा राइट। एंड द ड्यूरेशन ऑफ सुपरटेट एग्जाम इज 2.5 आवर्स। इसका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है गाइस वो 2.5 आवर्स रहता है। सब्जेक्ट क्या रहते हैं इसमें और जो मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे राइट। यहाँ पर जो लैंग्वेज रहती है आपके उसमें हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत होता है, उसके आपके 40 मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स रहती है 20 मार्क्स होते हैं, साइंस के 10 मार्क्स होते हैं, इन्वायरमेंट एंड द सोशल स्टडी इसके भी 10 मार्क्स रहते हैं, एंड द टीचिंग मेथडोलॉजी इसके भी 10 मार्क्स होते हैं, एंड द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इसके भी आपके 10 मार्क्स रहते हैं, और जो जनरल नॉलेज है या जो करंट अफेयर है इसके आपके 30 मार्क्स। बहुत बड़ा वेटेज है, इसको ध्यान से आप देखना कि जो आपका जीके है या जो आपकी जनरल नॉलेज है गाइस उसका बहुत बड़ा वेटेज 30 मार्क्स की जनरल नॉलेज आपकी आती है। लॉजिकल नॉलेज आपकी ओनली 5 मार्क्स होते हैं, और आईटी जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके भी आपको 5 मार्क्स होते हैं, और लाइफ लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड 10 मार्क्स। तो जो ओवरऑल आपके मार्क्स रहते हैं एग्जाम में आपके 150 मार्क्स आपके एग्जाम होते हैं टोटल राइट। आपने देखा अब सुपरटेट जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर इसकी जो ओपनिंग आएंगी जो वैकेंसी आएंगी वो 2023 की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एज पर द सुपरटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। जो आप सुपरटेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपका रिटन एग्जाम के बिहा पे और जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बिहा पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोनों को आपका ऐड करा जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। एंड इट इज नेसेसरी टू रीड द सुपरटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 थ्रोंगली बिफोर फिलिंग आउट द सुपरटेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन टू इंश्योर डेट यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड एट अ लेटर स्टेज। यानी जब आप इस एग्जाम को ऑनलाइन फिल करते हैं तो जितना भी जो सुपरटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से रीड आउट करें ताकि बाद में कोई ऐसी कंडीशन ना आए कि आप डिसक्वालिफाइड कर दिए जाओ। तो आपको इजिली आपको बहुत ही केयरफुली आपको रीड आउट सारे इंस्ट्रक्शन करने हैं देन आपको फॉर्म फिलअप करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द वेटिंग इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। एंड जो ये जो नीचे टेबल दी है ये इसके थ्रू हम देखेंगे कि किसका किस फाइनल सिलेक्शन के लिए किसका कितना वेटेज है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है उसका जो सुपरटेट एग्जाम होता है उसका 60% जो ऑप्टेन परसेंटेज होती है, यानी आपको 60% आपका वेटेज है जो आपका रिटन सुपरटेट एग्जाम है। आपका एकेडमिक मेरिट क्या रहती है उसमें आपका हाई स्कूल 10% रहता है, एकेडमिक आपका जो इंटरमीडिएट है वो 10% रहता है, ग्रेजुएशन 10% है, और जो आपका टीचिंग और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है लाइक आपका बीटीसी है या आपने बीएड किया है उसका भी आपको 10% आपका वेटेज आपको मिलता है। तो जो आपका एकेडमिक रहता है वो आपका 40% रहता है, और जो आपका सुपरटेट जो आपका रिटन एग्जाम है उसका जो आपका वेटेज रहता है वो आपका 60% है। टोटल आपका 100% काउंट होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं सबसे पहले उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आपको टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी आती रहेंगी, आप उनको वॉच आउट करें राइट। अगर कोई भी आपके डाउट्स है कुछ क्वेरी है तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइज चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।